What does the graph say? Good morning friends, welcome once again to Nifty Analysis from tradingfab.in. आज 15 जनवरी 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:21 हो रहे हैं। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। निफ्टी लगातार हमें नए हाईज अचीव करते हुआ दिखाई दे रहा है, तो अभी नेक्स्ट लेवल कहाँ पर आ सकती है, अगर करेक्शन आता है तो सपोर्ट कहाँ पर है वो आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 14 जन आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो उसकी लिंक या ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा जो ब्रेकआउट लेवल था 12,338, ये जैसे ही ब्रेक हुआ तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट 12,349 ये यहाँ पर अचीव्ड हुआ। और उसके बाद लास्ट का जो कुछ सेशन बचा था उसमें फर्स्ट टारगेट ब्रेक करने के बाद हमारा सेकेंड टारगेट 12,369 ये भी यहाँ पर अचीव्ड हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 19 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 14,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स की हालत देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार नासडैक 22 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स में भी थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली, हालांकि हल्की सी बढ़त के साथ वो बंद हुए। एशियाई मार्केट आज जब ओपन हो चुके तो लगभग सभी लाल निशान में इस समय ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 23.5 की पॉइंट्स की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर भी 68 पॉइंट की गिरावट इस समय दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में एक करेक्शन दिखाई दे रहा है। लगातार एक तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है यहाँ पर। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर हम आने वाले लेवल्स को प्रोजेक्ट करने के लिए फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 23.6% का यहाँ पर एग्जैक्ट लेवल इसने अचीव किया था। बाद में 38.2% के लेवल के पास इसने कई वक्त यहाँ पर, कई वीक्स यहाँ पर गुजारे, इस लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक नहीं कर पा रहा था। और अभी कल इसने 12,366 जो कि 50% का लेवल है, ये भी इसने ऑलमोस्ट कल अचीव कर लिया, और इसी के पास आकर ये क्लोज हुआ है। तो अभी ये 50% का लेवल यहाँ पर अचीव हो चुका है। तो अगर यहाँ से ऊपर जाता, ये वीकली चार्ट है, लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 61.8% का लेवल, जो कि 12,492 यानी ऑलमोस्ट 500 के पास है। और नीचे की तरफ फर्स्ट सपोर्ट हमारा बनेगा 12,240 का, और उसके बाद 12,084 का हमारा सपोर्ट लेवल्स यहाँ पर होगा। तो निफ्टी अभी अनचार्टेड टेरिटरी में है, ऊपर उसको फ्रीडम है, और भी ऊपर की तेजी हमें दिखा सकता है बजट के पहले। लेकिन हर एक जो नया हाईस बन रहा है उसके ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन होना काफ़ी बहुत ज़रूरी है। डेली चार्ट में चलते हैं। डेली चार्ट में लास्ट 5 डेज से कंटिन्यूज यहाँ पर हायर हाई हायर लोस का पैटर्न बन रहा है, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। अभी 12,366 के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हो सकता है यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग, एक छोटा करेक्शन देखने को मिले। कल एक्सपायरी का दिन है, वीकली एक्सपायरी का। अगर यहाँ से करेक्शन आता है तो 12,240 का फर्स्ट सपोर्ट टेस्ट करके फिर यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। तो ये आने वाला जो वक्त है ये हमें बता सकता है एग्जैक्ट ये कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। लेकिन सपोर्ट के लेवल्स को अगर आइडेंटिफाई करें तो एज़ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल ये लेवल्स आ रहे हैं। अगर 12,240 को ब्रेक करता है तो नीचे इसके तुरंत ये 20 EMA का मूविंग एवरेज है, जो कि 12,178 के पास है अभी फ़िलहाल। तो ये नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में, क्योंकि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ये तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर अभी फिलहाल निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। ये चलते हैं क्विकली 60 मिनट के चार्ट में। आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो कल जो लास्ट हाफ एन आवर था तभी एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडलस्टिक यहाँ पर बना हुआ है। तो जब तक ये इसके हाई को अगर ब्रेक नहीं करता, यानी कल का जो हाई इसने बनाया था अराउंड 12,274 के पास, अगर ये 12,374 को ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। इसका कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ये हमारा होगा ब्रेकआउट लेवल।
इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा R1 का पिवट पॉइंट का लेवल जो कि 12,388 के पास है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 12,400, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये हमारा बुलिश प्लान होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो ये जो स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडलस्टिक है यहाँ पर कंफर्मेशन चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसा कोई बियरिश कैंडल बनता है और ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है जहाँ पर इसने कल ये देखिए इसी लेवल के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, काफ़ी देर तक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और लास्ट का जो सेशन था इसने तभी इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो ये लेवल अभी सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये लेवल हो सकता है हमारा ब्रेक डाउन लेवल आज के लिए। अगर 12,348 इस लेवल को ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ तो ही हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो इसे हम लिख देते हैं ब्रेक डाउन लेवल, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है S1 का 12,322, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा ये जो 20 EMA का पिंक लाइन है ये अराउंड 12,300 के पास है, तो 12,301 ये हमारा होगा सेकेंड टारगेट। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।